रीवा जिला 36वीं लीग फुटबॉल स्पर्धा एसएफ मैदान में हुई संपन्न। एसएफ ने 4-2 से फाइनल जीता। हम आपको बता दें, आज के ही दिन कतर में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। एक तरफ कतर में वर्ल्ड कप का फाइनल, दूसरी तरफ रीवा के एसएफ मैदान में 36वीं लीग का फाइनल खेला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं मौजूद हूं एसएफ मैदान में। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, कुछ लोग आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज भी फुटबॉल को रीवा में जिंदा करके रखा हुआ है। लगातार अभी थोड़ी देर पहले ही यहां पर फुटबॉल का एक फाइनल मैच खेला गया। सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभी मेरी बातचीत हो रही थी, कह भी रहे थे, आज एक बड़ा सहयोग है, रीवा में भी फुटबॉल का फाइनल और वर्ल्ड का फाइनल मैच भी खेला जाएगा आज कतर में। मैं तमाम लोगों से बात करूंगा, जिस तरीके से फुटबॉल आप लोग यहां पर जिंदा किए हैं, लेकिन मैं कहूंगा आपने बेहतर तरीके से इंतजाम नहीं किए। एक दौर था जब फुटबॉल का मैच देखने के लिए, खाली प्रैक्टिस देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते थे, आप सबको याद होगा। आज यहां दर्शक नहीं दिखाई दे रहे, क्या वजह मानते हैं? वजह तो जैसे आपने कहा, निश्चित रूप से कुछ है बुझान का, जो आज नए दौर में लड़के जा रहे हैं क्रिकेट की तरफ या दूसरे जिम की तरफ, उनका रुझान ज्यादा है। फुटबॉल बहुत ही स्टेमिना की बात है, और यहाँ जिस तरह से पूरे रीवा, दुर्भाग्य की बात, एक समय था जब रीवा में फुटबॉल खेला जाता था, और विक्रम सिंह जी से, चट्टू राजवर्धन सिंह जी से, उल्ले साहब भी खेला करते थे, बहुत सारी टीमें थी रीवा के अंदर, एक एक घराना से एक एक टीम बनाया जाया करता था, और बेहतरीन खेल और मैच हुआ करता था, जहाँ निश्चित रूप से मैच देखने के लिए हजारों लोग आते थे प्रैक्टिस में, और मैच में तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। आज निश्चित रूप से जिस तरह से पढ़ाई का दौर भी आप कह लीजिए, और इसमें स्टेमिना बहुत लगता है, तो इसमें इतना ज्यादा मेहनत के बाद शायद बच्चे पढ़ाई में इतना ज्यादा ध्यान ना दे पाए, इसलिए उनके माता पिता इस तरफ रुझान नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह भी है। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को, इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। आप भी खिलाड़ी रहे हैं, आपने खेला है PRS कॉलेज का मैदान, वो याद होगा, तो क्या लगता है और क्या अंतर पाते हैं आज आप? आज अंतर ये है, सबसे बड़ी खामी कि स्कूलों में कोई PTI नहीं है, जो हमारी न्यू कमजोर हो चुकी है कि कोई स्कूल से लड़के नहीं निकल रहे हैं। पहले हम लोग काल स्कूल से हम लोग को ट्रेनिंग क्लास लगते थे PTI खेलने खेल के, आज वो सब बंद हो चुके हैं, बस लड़कों को बस्ता दिया जाता है, और इसलिए नए लड़के तैयार नहीं हो रहे, नए लड़के सब नशे में जा रहे हैं। यदि खेल होती तो नशे में लड़के न जाते, खेल होती तो लड़के नशे में न जाते, क्या कहेंगे जी? आकर बहुत सही कहा खंडे में, ये बात सही है। खेलों के लिए शासन प्रशासन का भी कोई सहयोग नहीं है, न कोई प्रोत्साहन है, तो कुछ नए खेल जैसे क्रिकेट वगैरह आ जाते हैं, लेकिन फुटबॉल हमारे देश का पुराना खेल है, और बड़ी गौरव की बात है जब यहाँ फुटबॉल होता था, हम लोग TRS कॉलेज में बैठे हुए होते थे, मूँगफली खाते हुए, सिर्फ मैच देखते के लिए, और घंटों घंटों बैठते थे, और यहाँ बहुत सारी टीमें थी, वीरभद्र थी, 11 क्यारी बात थी, बहुत सारी ऐसी टीम, उसको नाम ही याद नहीं, कितना अर्सा हो गया ये खेल बंद हुए, ये खेल बंद हुए। जैसे आपने एक बड़ी चीज कही, फुटबॉल के मैच से कई लोग मूंगफली बेचकर, मुझे भी याद है, मूंगफली बेच के अपने घर का भी खर्च चला लेते थे, अब तो यहाँ दर्शक ही नहीं मिल रहा, व्यापार की तो बात ही खत्म हो गई। आप युवा हैं, आप लगातार फुटबॉल को बढ़ाने के लिए योगदान दे रहे हैं, लेकिन उतना योगदान आप नहीं दे पा रहे हैं, वजह क्या है? वजह तो ये है कि हम लोग तो पूरा प्रयास है, हमारे जो यहाँ जिला फुटबॉल संघ है, वो तो छोटे छोटे बच्चों को भी यही सिखा रही है फुटबॉल खेल, और जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम तो यही कहेंगे इसमें शासन प्रशासन का कमी है, क्योंकि उत्साहवर्धन नहीं किया जा रहा है, जैसे फुटबॉल मैच का आयोजन हो, कुछ पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई जाए, और मेरा एक सोच ये भी है कि हमारी जो देश की टीम विश्व कप नहीं खेल पा रही है, इसलिए हमारे यही यहाँ के बच्चे आई तार, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, इस तरह के हमारे खिलाड़ी निकल नहीं पा रहे देश से अपनी, इसलिए थोड़ा कमी है, आइकॉन की कमी है। हरभजन सिंह जी, आप रीवा में रहे, रीवा में आपने बहुत फुटबॉल खेली, हालांकि आप उसके बाद नौकरी में बाहर चले गए, आपके जमाने में किसी तरीके की कोई भी सुविधा, जैसे अभी लखन जी कह रहे थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई आइकॉन नहीं था, लोकल खिलाड़ी ही जो रीवा शहर के थे वही लोकल लोगों के आइकॉन हुआ करते थे, मुझे याद है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत सारे लोग थे,
तो और अब आपने आए हैं यहाँ पर लगातार फुटबॉल में आप भाग ले रहे हैं, क्या अंतर पाते हैं? देखिए आपको जैसे पता है, आपने बताया भी कि पहले इस शहर में फुटबॉल का एक बड़ा स्वर्णिम युग हुआ करता था और हर परिवार से बच्चे लोग फुटबॉल खेलने के लिए दौड़े आते थे फील्ड में, और ऐसा भी होता था फील्ड के बाहर खड़े रहते थे कब हमारा नंबर आ और फील्ड के अंदर जाए। वो उसमें इंटरेस्ट रहता था बच्चों का कि हमको खेल के आगे बढ़ना, उसमें ये नहीं रहता था कि पढ़ाई में तुम ऐसा पीछे हो जाओगे कुछ ऐसा होगा। हमने मेडिकल कॉलेज के भी लड़कों को भी अच्छा खेलते हुए देखते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के भी लड़कों को भी अच्छा खेलते हुए देखा, इंटरेस्ट की बात है। इस समय हो क्या रहा है कि फुटबॉल को उन्होंने बिल्कुल एक किनारे में कर दिया है, दूसरे गेम हावी हो गए हैं, फुटबॉल हॉकी बिल्कुल एक तरह से मध्य प्रदेश में भी इवन पूरे देश में भी, कलकत्ता को छोड़ दीजिए आप या मणिपुर वगैरह को, फुटबॉल को छोड़ दीजिए, अदरवाइज फुटबॉल का कोई कोई भविष्य यहाँ पे नजर आता नहीं है। और जैसे कि सोहन सिंह जी और सब लोगों ने बोला भी है कि इस संबंध में सरकार को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि फुटबॉल के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएं और लोगों को नहीं वो करें कि आप अगर फुटबॉल खेलेंगे तो आपका भविष्य हम सुरक्षित रखेंगे। खिलाड़ियों को बीच में रोकूंगा। सरकार की अगर आप बात करें, यहाँ सारे लोगों से यही सवाल है, सरकार की अगर, सरकार तो नौकरी किसी को दे नहीं पा रही है, सरकार संविदा में लोगों से काम करा रही, तो ये तो बिल्कुल 100% है कि सरकार ध्यान नहीं देगी। ध्यान देना पड़ेगा आप जैसे सीनियर खिलाड़ियों को, जैसा कि हालांकि आप लोग यहाँ इतने लोग मौजूद हैं लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी खाली बातचीत करते हैं लेकिन जब ग्राउंड में जाने का नंबर आता है तो नहीं जाते। अगर सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी ग्राउंड में हो तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा सुधार हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ आया ट्रांसफर के बाद दूसरे शहरों के बाद में रही हूँ, मैंने ज्वाइनिंग दी, इसके बाद से मुझे लगा कि फुटबॉल के को हम और बढ़ावा दें, चूंकि हम फुटबॉल यहाँ पे बिल्कुल खत्म होने की स्टेज में लग रहा था। फिर कासिम भाई मुझे मिले, उन्होंने बोला सर कि हम इस तरह की चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमने कहा कि पिछले साल ही फिर हमने एक ये कहा है पिछले साल ही फिर हमने महाराज मार्तक सिंह चौधरी स्पोर्ट्स फुटबॉल टूर्नामेंट का हम लोगों ने शुभारंभ किया और हमने सारे पुराने खिलाड़ियों को जोड़ा इसमें, और हमने हर दिन उनको कहा कि आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप हमारे फील्ड में आकर के और खिलाड़ियों को सावर्धन करेंगे। तो पिछली बार हमने संभागीय स्तर पर उस टूर्नामेंट का आयोजन किया था, इस बार 22 से 26 जनवरी तक हम स्टेट लेवल पे राज्य स्तरीय का आयोजन हम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों की एक मीटिंग हो चुकी है और इसमें हम सारे बड़े लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके और इसको बहुत अच्छे सफलता के साथ इसको हम, ये काफी बड़ी बात है कि आप रीवा आए, आपके आने की वजह से निश्चित रूप से रीवा में एक राज्य स्तरीय, जैसा भी आप बताएं, राज्य स्तरीय फुटबॉल होगी। कासिम जी किस तरीके से आप लगातार यहाँ पर बच्चों के बीच में रहते हैं, तो उत्साह की कमी पाते हैं या कुछ और वजह? नहीं, हम तो बच्चों के, मैं तो यहाँ विगत 12 वर्ष से बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ और इसी मैदान में हम लोग वर्ष 2008 से इसी मैदान में हम लोग फुटबॉल का प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं। हम लोग जहाँ देखते थे, जहाँ मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चे नहीं आते थे, आज उनकी टीमें आ रही हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। कल मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है, 2-1 का स्कोर था, ऐसा बॉज ने 2-1 से जीता था, बहुत अच्छे बच्चे थे। निश्चित ही मैं इसको कमी नहीं मानता, वहाँ दर्शकों में रुचि नहीं है, मैं इसका कारण मानता हूँ मोबाइल को। आज का जो पेरेंट्स है बच्चों को बचपन से मोबाइल दे देते, बच्चों को क्या है सोशल मीडिया में ज्यादा उनका ध्यान जा रहा है, मोबाइल की वजह से बच्चे मैदान की ओर नहीं, सोशल मीडिया में ज्यादा ध्यान रहा। आप बड़े पुराने खिलाड़ी रहे हैं, संयोग से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या पाते हैं पूरा आप जब आप खेलते थे और आज में क्या अंतर पाते हैं? हम ना बोल पाएंगे, हम खिलाड़ी भर है, नहीं खिलाड़ी रहे हैं, जब आप खेलते थे तो कैसा रहता था और आज कैसा अंतर बोल पाएंगे सर? माहौल का सर है ना, मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता दूं, शायद जो पुराने खिलाड़ी हैं, हालांकि मैं ग्राउंड के बाहर ही रहा करता था लेकिन मैं देखता था जो खिलाड़ी, अनुशासन की बात हो रही थी, अगर 5 मिनट लेट होता तो उसको उस दिन ग्राउंड में उतरने का मौका नहीं मिलता था, क्या मैं गलत हूँ? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासन, और लड़के आजकल उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लड़कों को अगर मोटिवेट किया जाए तो एक बार वो दौर लौट सकता है क्या? बिल्कुल लौट सकता है, जैसा आपने बताया कि बड़ा अनुशासित गेम भी है ये और हम लोगों ने हमेशा जो सीनियर लोगों जो हम लोग जैसा भी निर्देश देते थे हम लोग पालन करते थे। आज की डेट में बच्चों को अगर हम इस तरह से मोटिवेट करें, लोगों में जागरूकता फुटबॉल के संदर्भ में बढ़ाएं, तो निश्चित ही वो सोशल मीडिया से थोड़ा सा हट के 2-3 घंटे के समय फील्ड में वो दे पाएंगे लड़के, मेरे ऐसा मानना है। लखन जी अंतिम सवाल, मोटिवेशन की बात हो रही, राज्य स्तरीय क्रिकेट फुटबॉल की बात हो रही है, तो अब ये माना जाए कि ये सिलसिला बरकरार रहेगा?
नहीं बरकरार बिल्कुल है, ये तो 35वीं टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ। हसीम भाई ने बहुत ही अपना लगन के साथ में सबको जोड़ रखा है और किसी तरह से करके अंधी में परेशानियों में ये जो फील्ड आप देख रहे हैं खेलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो खिला रहे हैं और जो भी व्यवस्था बन पाती है वो हम सब लोगों के माध्यम से भी और स्वयं के माध्यम से भी कर लेते हैं और इस टूर्नामेंट को निश्चित बना रहे हैं। और समय उम्मीद तो यही है अच्छा आएगा, पुल्ले साहब भी लौट के आए हैं और ये भी पुराने टीम को जोड़ रहे हैं, तो सोनी एक बार फिर से आएगा। ये पुराने खिलाड़ी अगर खाली ग्राउंड में आ गए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो युग जरूर लौटेगा। हम राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता पे भी नजर बनाकर रखेंगे, जो भी ताजे अपडेट होंगे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।